हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पेंट बकेट का यूज़ कर एक स्टूल बनाया था जो कि बहुत ही खूबसूरत बना था। लोगों ने इसकी बहुत सारी प्रशंसा की और उनके प्रशंसा से मैं प्रेरित होकर एक दूसरा बकेट को भी मैं स्टूल में बदलना चाहती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक दूसरा बकेट लिया है, अब इसका स्टूल बनाएंगे। लेकिन इसमें कपड़े का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग पेंट का यूज़ करेंगे। पेंट का यूज़ कर हम फिर से एक नया स्टूल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके आप हैंडल को निकाल लें। हैंडल निकालने के लिए एक छुरी गर्म करें और हैंडल के पास गर्म कर दें ताकि आसानी से हैंडल निकल जाए। अब हम इसे व्हाइट कलर से कलर करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने पूरे बकेट को व्हाइट कलर से कलर कर दिया है और मैंने दो तीन कोट इसमें लगा दिए हैं। लगाने के बाद मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप लगा कर रखा है। अब हम इसके इस सिरे पर और इस सिरे पर येलो कलर से पेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे पेंट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एशियन पेंट का येलो कलर पेंट लिया है और इसे इस तरह लगा लेंगे। मास्किंग टेप लगाने से होगा क्या कि इसकी जो लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। तो चलिए, इसी तरह लगाने के बाद यहाँ और यहाँ दोनों जगह येलो कलर लगाने के बाद फिर से मैं आपको दिखा। देखिए फ्रेंड, मैंने येलो कलर को लगा दिया है। अब इसे सूखने देते हैं। जब यह सूख जाएगा तो हम जो मास्किंग टेप लगा कर रखे हैं उसे हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस को करेंगे। देखिए फ्रेंड, पेंट सूख चुका है। अब हम इससे मास्किंग टेप को निकाल लेंगे। तो इस तरह इसे धीरे से इस तरह निकालते जाएंगे, इस तरह ऊपर नीचे दोनों साइड निकाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें एक इस तरह का पेपर लेना है। इस पेपर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह के रंग बिरंगे पेपर लेकर हम उसे इस तरह छोटे बड़े टुकड़े, राउंड टुकड़े में काट लेंगे। और काटने के बाद हमें क्या करना है, इसे इस जगह इस तरह गम की सहायता से चिपका देना है। इस तरह हमें डिजाइन बनाना है। तो चलिए, मैं ये सब डिजाइन बनाने के बाद आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने बकेट के चारों ओर छोटे बड़े सर्कलों को इस तरह चिपका दिया है और इस पेपर को फेल्ट पेपर या फेल्ट क्लॉथ के नाम से जाना जाता है। अब हमें क्या करना है, इसका गद्दा बनाना है। तो चलिए, गद्दा किस तरह बनाया जाता है इसे देखते हैं। गद्दा बनाने के लिए मैंने घी कलर के कपड़े को लिया है और इसे डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इस पर बकेट के ढक्कन को रख ले और इसके सभी ओर गोलाई से लकीर कर ले। उसके बाद एक इंच बढ़ाकर इसे काट ले। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे सिलाई करना है। तो इसे कैसे सिलाई करेंगे, साइड में यहाँ पर पट्टी लगाकर सिलाई करेंगे। पट्टी लगाने के लिए मैंने 4 इंच पट्टी ली है। इस पट्टी को इस तरह यहाँ पर सिलाई करेंगे और इसे भी इस तरह सिलाई करेंगे। इसके चारों ओर सिलाई कर देंगे, बस एक छोटा सा छेद रख देंगे ताकि उससे हम उसके अंदर रुई भर सके। तो चलिए, सिलाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने गद्दे को बनाने के लिए इस तरह सिलाई कर लिया है। देखिए, दोनों साइड सिलाई कर लिया है और यहाँ पर एक छेद रख दिया है ताकि इसे हम पलट सके। तो अब इस छेद के द्वारा कपड़े को हम इस तरह धीरे से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसमें हम लोग रुई भरेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने कपड़े को पलट दिया है और सीधा हो गया है। मजबूती के लिए मैंने डबल सिलाई लगा दी है। अब हम इस छेद के द्वारा इसमें रुई भरेंगे। यहाँ पर मैंने सिंथेटिक रुई लिया है। अब इस छेद से थोड़े थोड़े इसके अंदर इस तरह भर देंगे और जब यह पूरा भर जाएगा तो हम इस छेद को सुई सूते की सहायता से सिलाई कर भर देंगे। तो चलिए, मैं आपको पूरा रुई भरने के बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा गद्दा बन गया है और मैंने यहाँ साइड में ही सिलाई कर दिया है। अब हमें इसका कवर बनाना है। तो इसका कवर बनाने के लिए फिर से हम एक कपड़ा लेंगे और कपड़ा को नीचे बिछाकर इसके ऊपर फिर से बकेट के ढक्कन को रखकर इसके चारों ओर इस तरह गोलाई में
पेंसिल से दाग कर लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में लगाने के लिए भी काट लेंगे। तो चलिए मैं कपड़े को काटने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने गद्दे का कवर बना लिया है, गोलाई से काटकर साइड में इसे इस तरह जॉइंट कर लिया है और इसमें मैंने लेस भी लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, गद्दे के ऊपर इस कवर को डाल देना है इस तरह। चारों ओर इस तरह अच्छी तरह इसे डालकर प्लेन कर लेना है। अब हमें इसे बकेट के ऊपर रखना है, तो चलिए मैं आपको बकेट के ऊपर रखकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ऑर्गेनाइजर कम स्टूल का फाइनल लुक, यह देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और आपको कैसा लगा कमेंट्स कर बताएं। वैसे कैमरा में यह कैसा दिख रहा है मुझे मालूम नहीं, किंतु वास्तव में यह बहुत ही खूबसूरत बना है। इसकी खूबसूरती का अंदाज आपको तभी लगेगा जब आप इसे खुद बनाएंगे। यह 2-in-1 का काम करेगा, आप इसमें किसी भी सामान को स्टोर कर सकते हैं और इसे इस पर बैठ भी सकते हैं। दोस्तों, एवरी फ्राइडे शाम को मैं वीडियो रिलीज करती हूँ। यदि आपको मेरा क्राफ्ट वर्क जरा भी पसंद आता हो तो मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अतः आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।